हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु भैया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ सोनू की टिट्टू की स्वीटी के कलेक्शंस के बारे में, वो भी 13 दिनों के। जी हाँ, 13 डेज का कलेक्शन आ रहा है। जिस तरह से मैंने कहा था सेकेंड वीक के बाद ये बढ़िया चलेगी, उसी तरह से कलेक्शन सेकेंड वीक मतलब फर्स्ट वीक के बाद से बढ़िया चलेगी, वैसी कलेक्शन आ रहे हैं वीक डेज में। और ऐसा साफ है कि 90 करोड़ के ऊपर जाने वाली ये मूवी, और हो ना हो ये 100 करोड़ भी टच कर ले। चलिए मैं बताता हूँ क्या रीजन है, क्यों ये बढ़िया चल रही है, क्या इसके आगे होने की चांसेस है, 90 करोड़ के पार जाने क्या क्या चांसेस चल रही है, अभी तक बता देता हूँ। और फर्स्ट वीक में बात करें तो 45.94 करोड़, यानी कि लगभग 46 करोड़ इससे पहले हफ्ते में कमाई थी। फर्स्ट हफ्ते के हिसाब से चलिए ठीक ठाक कलेक्शन था, लेकिन दूसरे हफ्ते में जो इस फिल्म ने कमाल किया है वो लाजवाब है। और जिससे इतना मुझे लग रहा है कि यार फिल्म हो तो यार इस तरह से बनानी चाहिए, फिल्म कमाल की फिल्म बनाई है सोनू की टिट्टू के स्वीटी की। ओवरऑल पूरी फिल्म देखते देखते एंजॉयमेंट होता है, बहुत ज्यादा चीजें आप इसमें मत ढूंढिए, लेकिन जो चीजें बताया गया बहुत ही सिंपल रिलेटेबल बताया गया, जो आपको पसंद आएगा। चलिए आप बात करते हैं सेकेंड वीक में क्या क्या हुआ। सेकेंड वीक में सेकेंड फ्राइडे में 5.83 करोड़, सेकेंड सैटरडे को 6.55 करोड़, यानी कि 6.5 करोड़ के ऊपर कलेक्शन है। संडे को 7.02 करोड़ का कलेक्शन, 7 करोड़ के ऊपर। मंडे को 2.71 करोड़, ट्यूजडे को 2.62 करोड़, वेडनेसडे को जो कलेक्शन आया 2.59 करोड़। अगर आप देखो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, मैंने कहा था 2.5 करोड़ के आसपास अर्निंग होगी, लेकिन उससे बेहतर है 2.62 ट्यूजडे को, वेडनेसडे को 2.59 और मंडे को 2.71 करोड़। तो यानी कि कलेक्शंस बेहतर आ रहे हैं, यानी कि साफ है अभी जो टोटल हो चुका है वो हो चुका है, एक सेकंड आपको बताता हूं, 73.26 करोड़, 73 करोड़ यानी कि 2 करोड़ इसमें और जोड़ लीजिए आप, 75 करोड़ हो गया, 2 हफ्ते खत्म हो गए। चलिए 2 हफ्ते को गायब कर दे, छोड़ दीजिए। अब थर्ड वीकेंड में क्या होगा, थर्ड वीकेंड में आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिट स्टोरी 4 रिलीज हो रही है, और एक कोई फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ा इसके पास कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ऐसे में साफ है कि ये हफ्ते भी फिल्म चल सकती है अच्छी खासी, यानी कि अगर ये 3 दिनों में यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे में फिल्म ने 10 करोड़ कमा लिया तो आसानी से ये 90 करोड़ के पार चली जाएगी, क्योंकि इसको वीकडेज में वही 1.5 करोड़ का बिजनेस होगा। और मेरे हिसाब से ऐसा हुआ तो यार 90 से 95 करोड़ तक का फिलहाल वो कलेक्शन इसका दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेड मूवी जब आएगी उसके बावजूद ये चलेगी थोड़ा बहुत, तो यानी कि इसका जो दी एंड होगा वो 90 से 95 करोड़ के बीच में होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बस स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है मिनिमम 90 करोड़ तक कमा लेगी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस तरह की फिल्म के लिए जहां पे बहुत बड़े स्टार कास्ट नहीं है। कार्तिक आर्यन में दम था और उन्होंने कर दिखाया, सनी सिंह है इस फिल्म में, नुसरत बलूचा है, कमाल की एक्टिंग है यार, जो फिल्म आपको खुश करा दे वही बढ़िया फिल्म होती है मेरे ख्याल से। नुसरत बलूचा जो एक्ट्रेस है मानना पड़ेगा, जिस तरह से वो कनिंग एक वुमेन का रोल निभाती है लोग उनसे हेट करने लगते हैं। एक्चुअली करेक्टर वही होता है कि जो आपको खुश करे, हेट करवाए, दुश्मन नहीं, ऐसे लगे कि यार दुश्मन होता ऐसा हो, दोस्त होता ऐसा हो, तो ऐसी चीजें फिल्म में अगर देखने को मिलती है तो फिल्म चलती है, और इमोशनल लेवल अगर हो तो फिल्म और भी चलती है। तो भैया अच्छी अच्छी फिल्में बन रही बॉलीवुड में, बस उम्मीद है इसी तरह से अच्छी अच्छी चलती रहे, और उससे बॉलीवुड को नुकसान ही फायदा ही होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।